हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दिस इज़ प्रीति शर्मा, फैशन डिजाइनर एंड ट्रेनर। गाइस, आज की क्लास में हम बनाने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न पे प्रिंटेड ड्रेस बनाने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो मैं फ्री हैंड एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न तैयार कर रही हूँ, एक फ्लैश फिगर है जो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न के लुक में तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम एक ड्रेस ड्रॉ करेंगे जो हमारे इलस्ट्रेशन का बेस पार्ट होता है। ड्रेस ड्रॉ करना प्रॉपर ये फिगर पे ड्रॉ होगा एंड देन उसके साथ हम इस पर ड्रेस बना करके अब इस पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो मैं फ्लोरल प्रिंट इस पर यूज़ की हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही कलर का यूज़ किया गया हुआ है। प्रिंट एक कलर है फ्लावर का एंड बेस कलर अलग है। ब्लैक एंड पिंक का शेड मैं दी हूँ इसमें। अब हम इस पर प्रॉपर कंप्लीट करके इसको और इसका कलर कंप्लीट करते हैं। तो किसी भी क्रोकेस को बनाने के लिए सबसे पहले उसका जो बेस होता है, जैसे हेयर स्टाइल, आईज, नोज, समथिंग डैट, ये सब बनाना होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है तो मैंने बस हेयर स्टाइल को कंप्लीट किया है। एंड अब हम फ्लावर प्रिंट को देखते हुए अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों, जैसा कि मैंने पोंचो बनाया है, पोंचो पे भी मैंने प्रिंटेड कर दिया है। एंड जो ड्रेस है, ड्रेस का जो डाउन फोल है, बॉटम को भी प्रिंटेड किया हुआ है। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो फ्लावर बनाते हैं, प्रिंटेड ड्रेस जो बनाते हैं, बेस पहले कलर करने लगते हैं एंड जो उसका प्रिंट डिज़ाइन जो बना होता है उसको हम बाद में कलर करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना होता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है ना कि डिज़ाइन जो है वो पता नहीं चलता है। तो इसलिए पहले हम जो फ्लावर है उसको कलर करेंगे एंड देन हम जो बेस कलर है उसको करेंगे। ऐसा खासकर तब होता है जब हम बेस कलर डार्क यूज़ करते हैं। अगर लाइट या कोई ब्राइट कलर यूज़ करें तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है, बट अगर डार्क कलर बेस का यूज़ कर रहे हैं तो उसके वजह से प्रॉब्लम होती है ऐसी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो प्रिंट है, जो फ्लावर है, उसको कलर करते हैं एंड देन बेस को कलर करते हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैंने फ्लावर को कलर कर दिया है और उसके बाद हम ये बेस को कलर कर रहे हैं। तो आप इस पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, दो तीन कलर यूज़ कर सकते हो, कई डिफरेंट टाइप्स के आप इस पे प्रिंट डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही आपको बनाने हैं एंड उसकी स्मॉल क्लिप मेरे साथ शेयर कीजिए। इस फुल वीडियो देखने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, PRS फैशन स्टूडियो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड कमेंट में भी मैं शेयर कर दे रही हूँ। उसके अलावा आप ये देख रहे हो कि जो बेस कलर है उसको मैं ड्रॉ करने लगी, तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है। एंड स्केच पेन यूज करो या वाटर पेन यूज करो, वाटर कलर यूज करो, आप जो भी यूज करना चाहो आप उसको कर सकते हो इजीली एंड प्रिंटेड ड्रेस बना सकते हो।
तो गाइज फाइनली हमारा ये प्रिंटेड ड्रेस तैयार हो चुका है। होप यू लाइक इट एंड होप यू लर्न विथ मी। इफ यस्ट एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।